हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोस। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन। ठीक है, जो पर्सन अब जो लोग अपने पार्टनर से ब्रेकअप सिचुएशन पे हैं, नो कम्युनिकेशन में है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, तो वो सब ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? तीस सेंटेंस पे गाइड। इस नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं? नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं? स्टॉकिंग कर रहे हैं। इस नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को और आपकी जितने भी आप जहाँ से भी आपको स्टॉक कर सकते हैं, पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन आपको एक प्योर जेन्युइन लव करता है। ठीक है, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इस लव के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे स्टॉकिंग करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों से एक दूसरे से एक दूसरे लोगों से, मतलब कि अगर कोई आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो आपके बारे में बात करता है, एडवाइस लेता है कि इसको क्या करना चाहिए, और अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या माइंड है, अब आप क्या सोचते हैं सिचुएशन के बारे में। ये आपको प्योर लव करता है, लेकिन इसको नहीं पता इसको क्या यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग के लिए ये अवेलेबल नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा ये। ठीक है, लेकिन आपको लव करता है, प्योर लव करता है, लेकिन इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, तभी आपको स्टॉक भी कर रहा है। आपके सामने आने से थोड़ा सा कतरा रहा है, आप कोल्ड हैं, डिटैच हैं, आप किसी तरीके की इस पर्सन से डिमांड कर रहे हैं क्लैरिटी की या किसी मैरिज ऑफर की, मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक विजडम और वाइस पर्सन हैं, मतलब कि आपने इस सिचुएशन को संभालने की पास में बहुत ज़्यादा कोशिश करी इमोशनली, लेकिन अब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कोई ट्रुथ चाहते हैं, यहाँ पर आप फीलिंग ऑफ लॉस में तो हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपके साथ एक आपके साथ जो बिहेवियर होता रहा, उसकी आपको क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हेरोफेंट के साथ आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन आपको एडमायर करता है, इसको ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक वाइस पर्सन की तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी की तरह कनेक्शन को बनाने की आपने कोशिश करी है पास में। ये पर्सन आपकी तरफ कोई कप लेकर आना चाहता है, आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बर्डन सम सिचुएशन है इसका, आपके साथ आना, एक न्यू बिगनिंग करना, आपकी तरफ कोई कप ऑफ लव देना या आपके साथ एक स्टार्ट करना, मतलब कि ये कर नहीं पा रहा, एक्शन नहीं ले पा रहा, इतना करेज नहीं है, इतनी यहाँ पर इसको पास एनर्जी नहीं है कि आपके आपको वो क्लैरिटी देकर आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सके। लव है यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में, लव है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, ओवर एनालाइज करता है ये पर्सन किसी भी सिचुएशन को। देखिए, स्लीपलेस नाइट में, रातों में नहीं सो पा रहा, सोच सोच कर इस सिचुएशन के बारे में। ये पर्सन चाहता है जल्द से जल्द आपकी तरफ आके कोई एक्शन ले ले, लेकिन ये नाइट्स की एनर्जी है, इसको पता अगर ये जितनी जल्दी आएगा इसको उतनी जल्दी वापस वॉक अवे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं लेकर आ रहा जो जिससे आप सेटिस्फाई हो। ऐसा कोई ऑफर नहीं है जिससे आप आपको क्लैरिटी मिले, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, आप एक सेटिस्फाइंग पॉइंट पर आ जाए, ये वो सब कुछ नहीं कर पा रहा। आना चाह रहा है लेकिन पेज की एनर्जी में आ सकता है, आपको की बात हो सकती है नेक्स्ट, यहाँ पर 1 वीक के अंदर अंदर आप लोग की इस पर्सन से कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन फिर वही जोन आप लोग का रह सकता है, मतलब कि बात हो और फिर आप लोग की बात ना हो सके, एक फ़ोन कॉल पे बात हो जाए, कुछ चंद टेक्स्ट मैसेज पे बात हो जाए, फिर आप लोग की सिचुएशन वही हो जाए, क्योंकि पर्सन आपको 24/7 सोच रहा है, कर सकता है आपसे आपके साथ कम्युनिकेशन, लेकिन स्टेबल और ग्राउंडेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जब भी बात कर रही होती हूँ यहाँ पर आपके लिए स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर की बात कर रही होती हूँ, पेजेस की एनर्जी तो यहाँ पर आने जाने वाली एनर्जीज होती है, ये पर्सन कनेक्ट हो सकता है, आपके साथ बात हो सकती है। स्टक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा हैंगमैन ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, तभी आपको कहीं ना कहीं से ये स्टॉक करता रहता है, आपको बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लग रहा होगा, जैसे सिचुएशन इसकी ईगो ने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, अगर ये चाहता तो यहाँ पर कोई एक्शन लेके क्लैरिटी आ सकती थी, ये चाहता था अपने ईगो को डाउन करके यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग कर सकता था, लेकिन आपको ऐसा लगता है इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है इस प्यार से इसके लिए, मतलब कि इसको लव की इतनी फिक्र नहीं जितना अपना ईगो सेटिस्फेक्शन देता है, अपने ईगो को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है।
यहाँ पर एक एंडिंग हो चुकी है आप लोग की, यहाँ पर एक ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग का एक प्रॉपर ब्रेकअप हो चुका है। ये पर्सन आपको तभी इग्नोर कर रहा है बुरे तरीके से। यहाँ पर आप चाहते हैं हीलिंग, आप चाहते हैं एक बैलेंस, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल बैलेंस, मतलब कि एक जो बैलेंस एक प्रॉपर वे में होना चाहिए आपको वैसा बैलेंस चाहिए। यहाँ पर आप इसको जाहिर नहीं कर रहे कि यहाँ पर आप इसको एक बैलेंस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं कम्युनिकेशन को लेकर या आप इससे कनेक्शन को लेकर कि आप यहाँ पर क्या चाह रहे हैं। आप किसी से ये बात डिस्कस नहीं कर रहे, आप इसको वापस एक चांस दे देंगे। आप शो ऐसा कर रहे हैं कि आप जिससे ही बात करते हैं आप सोचते हैं, आप उससे ऐसी ही बात कर रहे हैं कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अब आप इसके साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते, अब आप ही लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। लेकिन आप आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर है, आप साइलेंट है, आपकी नज़र ज़रूर है, क्या ये पर्सन आ रहा है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने, आपके साथ बैलेंस करने, आपके साथ स्टार्ट करने। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इस वक्त आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन कह रही है आपको साइलेंट रहना चाहिए और आपको अपनी सेल्फ पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तभी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक वैसी सिचुएशन में कि आप यहाँ पर कुछ नहीं जानते, आप लोग के बीच यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड पार्टी इस पर्सन की फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ लॉस है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट एक एक न्यू बिगनिंग नहीं दे पा रहा। ठीक है, यहाँ पर ही आपको हमेशा वो ऑफर करता है जो जिसके मायने नहीं होते। एक रिलेशनशिप, यहाँ पर कोई छोटा मोटा ऑफर, आप चाहते हैं इससे कमिटमेंट का ऑफर, लेकिन यहाँ पे कोई फैमिली, किसी किसी की यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, जो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग नहीं होने दे रही, यहाँ पर जो एक न्यू स्टार्ट नहीं होने दे रही। फीलिंग ऑफ लॉस है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं एक लॉस्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप अपनी जगह हर्ट है, ये पर्सन अपनी जगह हर्ट है। ये इसका कोई फैमिली इशू है जो यहाँ पर इसको आपकी फैमिली, इसकी फैमिली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग नहीं आने दे रही। ये पर्सन बाजायर ही बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल कर रहा है, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहा है, लेकिन ये इस रिश्ते का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में इसके कुछ कुछ न्यू बदलाव आए, कोई न्यू चेंज आए, चाहे ये स्नेह, आपको ऐसा लगता है स्नेह की बिहेवियर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन ये पर्सन भी आगे जाते हुए आपको देख रहा है। ये सोच रहा है शायद एक कुछ कुछ यहाँ पर हो, एक न्यू बिगनिंग आ जाए, आप लोग एक साथ आ जाए इन फ्यूचर। ये डिवाइन से प्रेयर करता है कि आप लोग एक साथ हो, एक पेज सेम पेज पे हो। ठीक है, स्टॉकिंग है, होल्ड बैक कर रहा है, जो कुछ भी इसके अंदर है वो सब छुपा रहा है। ठीक है, आपके साथ बात करना चाहता है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी देखना देना चाहता है लेकिन ये आपको नहीं बताएगा जब तक उसको स्टेबिलिटी को अरेंज नहीं कर लेगा, जब तक अपनी फैमिली को एग्री नहीं कर लेगा, जब तक अपनी फैमिली से अप्रूवल नहीं मिल जाएगी, उस बात को नहीं बताएगा कि आपके साथ ये कमिटमेंट लव लाइफ को एक स्टेबल करना चाहता है। आपको जब भी देता है बहुत छोटा माइनर ऑफर देता है, आपको ऐसा लगता है कि इतना टाइम गुजर गया अभी भी यही ऑफर, आप लेने के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे, बातें चिट चैट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। आप चाहते हैं आइए पर्सन एक कोई लीप ऑफ फेथ ले, एक न्यू बिगनिंग आए इस रिश्ते में, एक न्यू स्टार्ट आए, आपकी और इसकी एक फैमिली क्रिएट हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप चाहते हैं डिवाइन यहाँ पे आप लोग का कार्मा खत्म करे, एक कार्मिक सिचुएशन एंड करे, आप लोग, आप इसके साथ एक फैमिली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैरिज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मतलब कि एक लाइफ में आप जो चाहते हैं आपकी विश फुलफिलमेंट हो। वैसे लक आपके साइड है, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट आपकी तरफ आ सकती है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड टावर, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है इस पर्सन की, इसको पता है या आप इसकी विश हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपको सोचता है यहाँ पर, एक जैसे ये पर्सन परेशान है अपनी लाइफ में, सेटिस्फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस एनर्जी में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में, बहुत ज़्यादा एक एनजाइटी में, टोटली एक एनजाइटी है जो नेगेटिविटी जो उसके ऊपर बनी रहती है 24/7। ठीक है, जस्टिस, इस पर्सन को पता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, इस पर्सन को पता है इसने कभी भी आपके लिए कोई ऐसा फैसला, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करी है, ये हमेशा जब भी आपकी बात आई ये कंफ्यूज रहा है, आपके लिए कोई कोई फैसला नहीं कर सका, यहाँ पर आपको जगल करता रहा है, चाहे अपनी फैमिली के साथ किया, चाहे थर्ड पार्टी के साथ किया, चाहे अपने काम और करियर के साथ किया, लेकिन इसने आपको जगल करा है, हमेशा जगल करा है, ये आपके साथ क्लियर नहीं हो सका है। ठीक है, इसने हमेशा आपको हर्ट किया है, यहाँ पर आप डिमांड कुछ और कर रहे थे और ये आपको कुछ और दे रहा था। यस, नो कम्युनिकेशन में 1 वीक में ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, इसको आप ऑफर भी दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप इससे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसके पर्सनल लाइफ में कोई ड्रामा चल रहा है, कोई बड़ा ड्रामा चल रहा है, इसकी बिल्कुल एक फैमिली लाइफ में कोई ड्रामा फेस कर रहा है ये पर्सन। इसकी फैमिली भी अगर कोई इसको 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 मैरिज के लिए ऑप्शंस दिखा रही है तो ये अपनी फैमिली को एग्री नहीं कर रहा, कोई मदर फिगर हो सकती है यहाँ पर जो आपको और इसको एक नहीं होने दे रही। ठीक है,
ये पर्सन अगर आपके साथ नहीं आएगा तो ये पर्सन सिंगल रहना पसंद कर रहा है, अपनी फैमिली को अभी कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है। यहाँ वहाँ पर अपनी फैमिली में फाइट तो कर रहा है, बिल्कुल मैरिज के लिए कोई इसकी ज़िंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, कोई ड्रामा चल रहा है। ये ऑब्सेसिव है आपके साथ मैरिज करने के लिए, ये किसी और के साथ मैरिज में नहीं आना चाहता है, ये किसी और को मैरिज के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, एम्प्रर बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली कंट्रोलिंग है, ये आपके लिए लव फील करते हुए भी यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे पा रहा, इसकी फैमिली इसको बुरे तरीके से कंट्रोल करती है, इसको नहीं समझ में आता इसको यहाँ पर करना क्या चाहिए, अपनी फैमिली को ये क्या कहे कि फैमिली आपके लिए इससे मान जाए, ठीक है, आपके और इसका कनेक्शन आगे की तरफ बढ़ जाए। यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, इसकी पर्सनल लाइफ में ड्रामा चल रहा है बहुत ज़्यादा, किसी 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 परेशानी में इसको कंट्रोल किया जाता है, बुरे तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है, ये किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, आप लोग के यहाँ पर कास्ट कल्चर रिलीजियस कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको लग रहा है इसकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे फैमिली फैमिली इशू बनी हुई है, इसकी फैमिली लाइफ में पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा क्रिएट है। ठीक है, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन सिंगल है और अपने कैरियर पे वर्क कर रहा है, अगर इसकी कोई फैमिली मैरिज के लिए कोई इसको लड़की या कोई ऑफर दिखा भी रही है, पर्सन इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इसको मैरिज करनी है तो आपके साथ, ये आपको ही अपना काउंटर पार्ट समझता है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है यहाँ पे मोमेंट होने वाली है विथ लव और क्लैरिटी, यहाँ पे डायरेक्शन आपको मिलेगी ज़रूर इस रिलेशनशिप में। ठीक है, कोई मोमेंट होने वाली है, आपको कोई डायरेक्शन यहाँ पर इस रिश्ते में ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई स्ट्रॉम आने वाला है, जैसे आपने कभी लव फील नहीं करा इस सिचुएशन में, कोई स्ट्रॉम आएगा जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको न्यू बिगनिंग की तौर पे मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट होने वाली है, अगर आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से स्टक है, काफ़ी टाइम से सिचुएशंस आगे की तरफ नहीं बढ़ रही, आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूज फेयर। ठीक है, आप लोग फेयर को चूज मत करें, एंड आई चूज अगेन, भाई आप लव को चूज करें, एक अनकंडीशनली लव को चूज करें, यहाँ पर आप जितना फेयरफुल रहेंगे, जितना इस सिचुएशन को एक फेयर भरी निगाह से देखेंगे, आप उतना डरेंगे इस पर्सन को खोने से। ठीक है, आप अनप्लग हो जाएं एक अननेसेसरी चीजों से जो आपको डराती हैं, जो आपको फेयरफुल देती हैं। माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। ठीक है, आपकी वाइब में कुछ ऐसी स्पार्क होना चाहिए, आपके पर्सन आपसे अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए, मतलब कि यहाँ पर आप इस तरीके के पर्सन बन जाए, आपको यहाँ पर कुछ कहने के लिए अपने लिए इतना वर्क करें, आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हो जाए कि एक आपकी वाइब जो है ना कि आपके पर्सन को पागल कर दे आपकी तरफ वापस अट्रैक्ट होने के लिए, ये पर्सन आपके लिए फाइट करना चाहे, ये पर्सन आपको हमेशा चूज करे, यहाँ पर आप इस ये पर्सन आपको चूज नहीं करता, आप हमेशा एक फेयरफुल सिचुएशन में चले जाते हैं कि आप इसको लूज कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। द यूनिवर्स हैज बैक, यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपके बैक पे है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड अ पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर आपको डीपर मीनिंग, यहाँ पर आपको पर्सनल ग्रोथ करके समझ में आएगी, यूनिवर्स चाहता है अपने आप पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, आपकी जो एक आपका जो ऑरा है ना, आप उसकी लाइट बढ़ाएं, ना कि कनेक्शन की लाइट बढ़ाने की अब आप कोशिश करें, आप जो कर सकते थे कनेक्शन के लिए आपने वो सब कुछ कर लिया, अब आपको अपने लिए कुछ करने का टाइम है ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको चूज करें। आप यहाँ पर फेयर को चूज करेंगे, आपके पर्सन आपको कभी चूज नहीं करेंगे, जब आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ठीक है जो होगा आप वो उसको देख लेंगे, ठीक है, आप अनकंडीशनल वे में आ जाएंगे, जब यहाँ पर गो विद द फ्लो हो जाएंगे तब चीज़ें आपके लिए चेंज होती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग का आप लोग को रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप खुद चेंज नहीं हो रहे, आप अपनी एनर्जी भी चेक करा करें, यहाँ पर आपकी एनर्जी में चेंज नहीं है। ठीक है, मैं स्टूडिंग को ये तरह की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।